अरे नमस्कार, हमारा नाम अनुपम त्रिपाठी है। तुम हमसे बिजली का बिल कहते हो, बकाया है 1,76,000 का, इसकी कब पेमेंट कर रहे हैं? हमारा जवाब तुमको एक है, 15 लाख आए क्या? हाँ, 100 स्मार्ट सिटीज बना क्या? हाँ, 20 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज मिला क्या? बिहार को 1,25,00,000 करोड़ मिला क्या? कश्मीर को 75,000 करोड़ मिला क्या? हाँ, जब वो मिल जाएगा तो तुम्हारा 1,76,000 तुमको मिल जाएगा। तब तक मेरा जवाब है, नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, समझे? जय किसान, जय भारत। जय किसान, जय भारत। आप सभी भाइयों को नए वर्ष पे, आप सभी भाइयों को, आप सभी के परिवारों को मेरी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये नववर्ष 2021 आपके, आपके परिवार और सभी मेरे भारतीय लोगों को, चाहे वो भारत में हैं, चाहे भारत से बाहर जो अप्रवासी भारतीय लोग हैं, सभी के लिए 2021 बेहतरीन साल हो, 2020 से बेटर हो, आपको दुनिया की सारी खुशियां मिलें, सारा ऐश और आराम, पैसा, सक्सेस सब मिले, मेरे किसान भाइयों को बेहतरीन फसल का दाम मिले, उनकी तरक्की हो, जवान भाइयों को खुशी मिले, सेफ्टी मिले, प्रोटेक्शन मिले, और सबसे जरूरी, इस देश को पाखंडी, चोर, भ्रष्ट, घटिया जुमलेबाज, देश बेचू, देश तोड़ू, किसान विरोधी सरकार, नेताओं, मोदी जी, उनके भक्त और भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा मिले। बस यही है मेरी छोटी सी ईश्वर से प्रार्थना, और मुझे पता है कि ये होगा। 2021 से इसकी शुरुआत हो जाएगी, 2024 पे ये हो जाएगा। 2021 के लिए आप सभी किसान भाइयों को और सभी भारतीय लोगों को, जो भारत की सोचते हैं, जो परेशान हैं पिछले 6-7 साल के भारत के माहौल से, भारतीय जनता पार्टी से, भारत सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह से, और इन सभी जोकरों से, उनसे मेरा एडवाइस है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आज से आप लोग ढीठ हो जाइए। और गांधी जी ने जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसी प्रकार से आप लोग 2021 पहली जनवरी से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं हम लोग। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आज से आपको भारत सरकार का लगान देना बंद कर देना है। डोंट पे एनी टैक्सेस, जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स, देना बंद कर दीजिए, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, सारा टैक्स देना बंद कर दीजिए सरकारों को। जो भी सुविधाएं यूज करते हैं, बिजली बिल, वाटर बिल, फलाना बिल, धमाका बिल, जो भी सरकार का है, जो भी मुकेश अंबानी का है, जो भी गौतम अडानी का है, जो भी भारतीय जनता पार्टी का है, उसका पैसा, टैक्स, फलाना धमाका सब देना बंद कर दीजिए। बिजली वाले बिल भेजें 5,000, 15,000, 1,00,000 रुपए, 1,50,000 रुपए, 1,76,000, उनसे कहिए मैं नहीं दूंगा। पूछे क्यों, तो कहिए जब मोदी जी के 15 लाख मेरे अकाउंट पे आ जाएंगे तब दूंगा। इनकम टैक्स देना है, नहीं दीजिए। पूछे क्यों नहीं, तो कहिए जब किसान भाइयों के खिलाफ ये जो 3 किसान विरोधी एक्ट है, कानून है, इनको जब भारतीय जनता पार्टी सरकार वापस ले लेगी तब टैक्स भरूंगा। आप किसान भाइयों, अभी याद आया मुझे,
आप लोग अभी हड़ताल पे बैठे हैं, सही बैठे हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। इसके आगे मैं चाहता हूँ 1 जनवरी से आप लोग हड़ताल कर दें। हड़ताल माने भारत सरकार आपसे कहती है कि आप लोग ये उगाइए वो उगाइए, आपसे FCI प्रोक्योरमेंट करता है। जब इंडिया में वीट की कमी आ जाती है, राइस की कमी आ जाती है वगैरह वगैरह, भारत के सभी किसान 86 करोड़ किसान हड़ताल पर चले जाइए, अपने लिए सब्जी उगाइए, खाना उगाइए, अपने परिवार को खिलाइए, भारत के लिए उगाना बंद कर दीजिए, भारत सरकार के लिए उगाना बंद कर दीजिए, हड़ताल पे चले जाइए। इससे भारत में एक अक्यूट फूड शॉर्टेज हो जाएगी। और ये जो सरकार है ना, जो अभी ऐठ में अपने बैठी है, मोदी मोदी कर रही है, ये अपने घुटने के बल आ जाएगी। हड़ताल आपकी तरफ से अगर 3 महीने हो गई ना, तो ये सरकार गिरेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी, अपने घुटने के बल आएगी, उसके बाद बात करेंगे इस सरकार से। ये सरकार आपकी मुलाजिम है, आपकी नौकर है, आपकी पिताजी नहीं है, राजा नहीं है, आप राजा हैं, ध्यान रखिएगा। किसान भाइयों को मेरा सुझाव है, 1 जनवरी से आप लोग हड़ताल पे चले जाइए। आज से खाना किसान भाई सिर्फ अपने लिए बनाएगा, अपने लिए सब्जी उगाएगा, अपने परिवार के लिए। 3 महीने की हड़ताल कर दीजिए, ये सरकार 3 हफ्ते में टाइट हो जाएगी और 3 महीने आते आते ख़त्म हो जाएगी, घुटने के बल गिर जाएगी, कीड़े की तरह रेंगते आएगी आपसे माफ़ी मांगने, फिर बात करेंगे माफ़ किया जाए कि नहीं किया जाए। और किसान भाइयों के अलावा आप सभी भारतीय लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दीजिए। इस देश में भारत सरकार का 1 रुपया टैक्स देना बंद कर दीजिए, 1 रुपया किसी भी यूटिलिटी का सर्विस कॉस्ट देना बंद कर दीजिए, अदानी अंबानी का जितना माल है खरीदना बंद कर दीजिए, बॉयकॉट कर दीजिए भारत सरकार को, अदानी को, अंबानी को। और हर चीज में आपका जवाब होगा, जब किसान विरोधी बिल वापस होंगे तो मैं टैक्स पे करूंगा, जब मोदी जी के 15 लाख आएंगे तो मैं टैक्स पे करूंगा, जब मोदी जी के 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज मेरे अकाउंट में आएगा तो मैं पे करूंगा, जब बिहार के 25 लाख करोड़ आएंगे तो मैं पे करूंगा, जब कश्मीर के 75,000 करोड़ आएंगे तो मैं पे करूंगा। अगर वो वादे दे के आपसे मुकर सकते हैं तो आपको कौन कह रहा है, किसी बैल ने आपको कहा है क्या, या डॉक्टर ने कहा है कि आप इनको टैक्स पे टैक्स देते रहिए? कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसकी शुरुआत कर दी है, आप लोग भी शुरू कर दीजिए। उस सरकार को आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, जो सरकार आपकी नहीं सोचती है, जबकि आपकी नौकर है ये सरकार, जब तक घुटने के बल ना गिर जाए, कीड़े की तरह रेंगते आके आपको माफ़ी ना मांगे, तब तक ऐसे करना है। जब भारत की सरकार बनेगी, हम लोगों की सरकार बनेगी, तो वापस हम लोग अपना टैक्स देना शुरू करेंगे, जब हम लोग हमारी मांगे पूरी होंगी। ये सरकार तो गौतम अडानी की है, मुकेश अंबानी की है, इसको कोई लगान देने की ज़रूरत नहीं है आपसे, इसको बॉयकॉट कर दीजिए, बॉयकॉट दी भारतीय जनता पार्टी, बॉयकॉट भारत सरकार, बॉयकॉट गौतम अडानी, बॉयकॉट मुकेश अंबानी, बॉयकॉट ऑल दीज पूंजीपतीज जो आपका खून चूस रहे हैं भारत सरकार के साथ मिलके। आज से लगान देना बंद, सारी जितनी यूटिलिटीज़ हैं उनका खर्चा देना बंद, सब बंद कर दीजिए, टोटल नॉन कोऑपरेशन। यही है मेरा मैसेज आप सभी लोगों को, नववर्ष पे शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। कल भले ही बेहतर ना रहा हो, आज आपका बेहतर बहुत अच्छा होगा और आपका आने वाला कल और बेहतर होगा। डटे रहिए, लड़े रहिए, जय किसान, जय भारत।